मैं आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप बस बस मेरी आवाज सुनते रहिए। क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए? रीना आप कहाँ हैं? आई होप सब ठीक हो। ये चाय आपका जायका बदल देगी। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? आपके चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए छोटा सा मस्का। ये लीजिए शगुन की मेहंदी। तुमने कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की तो आई एम वार्निंग यू, तुम बच नहीं पाओगी। इस बार तो सिर्फ मायका छूटा है, लेकिन अगली बार तो ससुराल भी नहीं रहेगा। माँ अपने बेटे की शादी जरूर देखेगी, माँ को ठीक होना ही होगा, फिर चाहे माँ की बलाएं मुझे लग जाए। इस बार पूजा इस मंदिर से जिंदा नहीं लौटेगी। मुझे जेल भेजा तुम्हारे लिए ये स्वर्ग का टिकट। पूजा भी तो इतनी देर से दिखी नहीं है। लेकिन मम्मा पूजा भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। घर पे फोन रखकर मामी को बिना बताए कहीं नहीं ले जाएंगी। नहीं मनिक, हमें माँ और पूजा को ढूंढने के लिए अभी कभी निकलना होगा। चलो हाँ बोलो। पूजा को तैयार करने की पूरी तैयारी कर ली है मैंने। कहिए सफेद साड़ी कब निकालू? तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा, ये लड़की बचेगी नहीं। वेरी गुड, और बचनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? वार्निंग दे रही, कहीं ऐसा ना हो कि वो नकली पासपोर्ट, वो फ्लाइट का टिकट वेस्ट हो जाए। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम फोन चालू रखो। रेचल, इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए करके लाई हो? कल पूजा दी की शादी है तो मैंने दी और जीजू के लिए गिफ्ट्स खरीदे। शादी में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने सारे गिफ्ट्स, मुझे तो दिखाओ। ये देखो, जीजू के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए मैं कपड़े लेकर आई हूँ, सभी के लिए। और ये क्रॉकरी सेट भी लाया है, लास्ट टाइम जब पूजा दी आई थी तो उन्हें ये सेट बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। अनुज, ये क्या कर रहा है? इस घर से अभ्यास मैनेजमेंट में कोई तूफान नहीं जाएगा। क्या क्या कर रहा है बेटा तू? नहीं पापा, उस शादी से हमारा कोई वास्ता नहीं। कोई वास्ता नहीं है ना, ये लो, ये भी ले। कोई जरूरत नहीं तोहफे देने की, और ना ही तुम में से किसी को उसकी शादी में जाने की जरूरत है। तो क्या हुआ अगर पूजा की जिंदगी में इतने दिनों के बाद खुशियां लौटी? लेकिन तुम लोगों को तो अपना अहम ज्यादा जरूरी है ना। ले जा बेटा, लौटा दे ये सारे तोहफे वापस। कह देंगे हम, कह देंगे कि लड़की वालों में तोहफे देने का जिगर ही नहीं था। जी हाँ, वो बस सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम भी ठीक से तैयारियां ही नहीं कर पाए। अब देखिए, मैं अभी मंदिर आया हूँ पत्रिका चढ़ाने के लिए। देखिए, लेकिन आपको अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी में जरूर आना है। ओके, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओके बाय। शहजादी है कोई है फूलों सी कोई है अप्सरा।
परी सी है कोई शहजादी है कोई है फूलों सी कोई कोई है अप्सरा परी सी है कोई महफिल में हो गई है शामिल हाँ देखो ये हसीन इसकी खुशी के लिए आए दीवाने हम सभी महफिल में हो गई है शामिल आ देखो ये हसीन इसकी खुशी के लिए आए दीवाने हम सभी आज कैसे बताऊं मेरे पैर तो जमीन पर रुक ही नहीं रहे हैं नीलू आज तुम पूरे ऋषिकेश में काजू बादाम की मिठाई जरूर बंटवा देना और मामी आज शाम के संगीत में देखना धूम मचा देंगे अरे ये सब शोर शराबा तो होता रहेगा नरेन पहले तुम पूजा को अंदर ले जाओ बेटा उसे थोड़ा आराम भी करने दो हाँ कमरे में चले संभाल के अब कन्हैया का मैं कैसे शुक्रिया करूं? आखिर उन्होंने मुझे मेरे बेटे की शादी दिखा ही दी समझी जी हम आ रहे हैं आपकी भांजी को ले जाने भाभी जी वो पहले आपकी बहू है अब देखिएगा कल की शादी में रौनक ही कुछ और होगी बड़े अरमान थे मेरे बहन जी कि पूजा की डोली हमारे आंगन से उठे और अब देखिए कल हमारा ये सपना भी पूरा होने जा रहा है बिल्कुल समझे जी कल हम बारात लेकर के आएंगे और खूब खातिरदारी भी करवाएंगे जी जरूर आपका इंतजार रहेगा जी पूजा की बारात कल हमारे घर आएगी लेकिन तैयारी कहाँ हुई है और खर्चे वो कौन उठाएगा तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कुसुम समझी जी के इवेंट वाले कल आने वाले हैं वो आकर सब कुछ संभाल लेंगे और रही बात खर्चे की तो पूजा का मामा अभी इतना लाचार नहीं है कि अपनी बेटी की टोली भी विदा ना कर सके आपके प्यार और आपके साथ ने हमेशा हमेशा रहा है दीजिए हमारा साथ और देखिए शनिवार एक घंटे का धमाकेदार एपिसोड 25 नवंबर 8 बजे से 9 बजे तक आपकी चहेती भांजी के लिए एक छोटी सी भेंट भेज रही हूँ जिंदगी में जो कांटे रुपे थे अब वो चुभने के लिए तैयार हैं जल्द ही मिलेंगे आपकी भांजी की सबसे प्रिय दुश्मन फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए है तुम्हारे लिए नहीं तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद ना कर मुझे बाहर उठाओगी हाँ क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ स्वीट हार्ट आई एम अभी द रॉक स्टार आप मुझे ये बताइए जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको झटका तो तुम्हें लगा है मुझे तैयार देखकर हे 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 जिंदगी भर बहुत कुछ छीना है मुझसे राठौड़ परिवार ने हमारा बेटा प्रेम छीना लूंगी मैं तुमसे ये हवाएं ये बिजली ये सब इशारा है उस ऊपर वाले के गुस्से का इतने सालों बाद ही सही अर्जुन के रूप में मुझे आदि मिला है और इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें कहीं भेज दूं कि हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाए जानवी बनने की कोशिश मत करना तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम अपने अतीत का सामना इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तुम डरती हो कि तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाए तुमने जो कुछ किया है ना निशा उसकी सजा तुम्हें मिलेगी
और वो काम मैं खुद करूँ। यकीन कर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। और हम आपसे नफरत करते हैं, हम आप जैसे इंसान से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। और आप हमारी जिंदगी में दखल कभी मत देना। डॉक्टर साहब लेके जाइए ने। दौरा जी चलिए आप, यू आर अंडर अरेस्ट। ऋषभ क्या हुआ बेटा? ऋषभ आके खोलो। बोलता क्यों नहीं तू कारण? बोल बेटा। पिता पिता क्या ये जिंदा है?